जानवी कपूर की फिल्म उलझ आज सिनेमाघरों में आ गई है और इस फिल्म में जानवी कपूर ने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं जैसा बॉलीवुड में नेपोटिज्म का आरोप लगता है, फिल्म की शुरुआत भी कुछ वैसी होती है कि जानवी एक आईएफएस अफसर है और उनकी पोस्टिंग होती है लंदन में। एक बड़ी फैमिली है, ऐसी फैमिली है जिसमें बड़े बड़े आला अधिकारी हैं और इसी वजह से जानवी को लंदन में अच्छी पोस्टिंग मिलती है। वहाँ पे वो नंबर टू पोजीशन पे जाती हैं और लंदन पहुँचते ही जानवी कपूर का किरदार यानी सुहाना भाटिया से एक ऐसी गलती हो जाती है कि आप उसको देखने के बाद लगता है कि ऐसी गलतियाँ तो आजकल एक आम लड़की नहीं करती। जानवी कपूर जो कि एक आईएफएस अधिकारी हैं, वो कैसे वहाँ इस तरह की गलती कर सकती। गलती ये होती है कि एक आईएसआई का एजेंट उनका हुलिया बदल कर उनसे मिलता है और फिर वो उनके साथ दोस्ती बढ़ाता है और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है। फिर इंटीमेट सीन्स दिखाए जाते हैं और उस इंटीमेट सीन का बन जाता है एमएमएस और फिर उस एमएमएस को दिखाकर जानवी कपूर को फिल्म में ब्लैकमेल करता है आईएसआई का वो एजेंट। तो यहाँ से कहानी शुरू। तो आप पहले तो ये देखकर चौंक जाते हैं कि एक आईएफएस अफसर जो है कैसे पहली दूसरी मुलाकात में किसी पे इतना ट्रस्ट कर लेती है, वो भी एक दूसरे शहर में। आपको बता दें कि जब भी हाई कमीशन में किसी की पोस्टिंग होती है, किसी एम्बेसी में कोई जाता है तो बहुत तरह की ट्रेनिंग दी जाती है उनको, क्योंकि सबको पता होता है कि दुनिया भर के जासूसों की आप पे नज़र होगी। लेकिन यहाँ जानवी कपूर लंदन पहुँचती हैं और सीधे ऑफिस में अपना अटेंडेंस लगाती हैं और उसके बाद वो सीधे पब पहुँच जाती हैं। तो वो देख करके मुझे ऐसा लगा कि फिल्म को लेकर बहुत अच्छी रिसर्च नहीं की गई है। जानवी कपूर को शुरुआत में दिखाने की कोशिश की गई है कि वो एक बहुत इंटेलिजेंट महिला है, लेकिन जिस तरह से वो आईएसआई के एजेंट के प्यार में पड़ती हैं तब पता चलता है, तब आपको जानवी के किरदार को देखकर थोड़ा गुस्सा आता है कि कोई कैसे इतना बेवकूफ़ हो सकता है। और उसके बाद जानवी यानी सुहाना भाटिया के कारण एक रॉ का जासूस मारा जाता है, पाकिस्तान में तैनात दो जासूसों की जान खतरे में पड़ जाती है, एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसमें भारत को लेकर खुलासे होते हैं। तब आपको लगता है कि नहीं, ये तो फिल्म की नायिका नहीं, एक विलेन है, सिर्फ अपनी इज्जत और अपने पापा की पोस्टिंग बचाने के लिए कोई कैसे किसी की जान ले सकता है, कोई कैसे किसी की जान खतरे में डाल सकता है, कोई कैसे देश के साथ खिलवाड़ कर सकता है। तो जब तक मैं ये फिल्म देख रही थी, मुझे जानवी कपूर फिल्म की लीड एक्ट्रेस कम, मुझे वो विलेन लग रही थी। फिर आगे पता चलता है कि जानवी कपूर जिस ट्रैप की शिकार हुई उसमें उनका ड्राइवर है, उनके रॉ के अधिकारी मिले हुए हैं, देश के विदेश मंत्री मिले हुए हैं। तो फिर आपको लगता है ये कहाँ से कहाँ आ गई स्टोरी। आपको ओवरऑल बताएं कि जानवी कपूर बिल्कुल एक महिला प्रधान फिल्म करने के चक्कर में उन्होंने एक इस तरह की कहानी, एक ऐसी फिल्म चुननी जिसकी ना तो कहानी ठीक से लिखी गई, ना जिसकी पटखता सही से लिखी गई, ना जिसमें दमदार डायलॉग्स हैं, बस उन्होंने इस फिल्म को साइन कर लिया। आपको बताएं इस फिल्म को सुधांशु सरिया ने डायरेक्शन किया है। इस फिल्म की अवधि है 2 घंटे 14 मिनट और जंगली पिक्चर्स ने इसको प्रोड्यूस किया है और इस फिल्म का ऐलान किया गया था मई 2023 में और इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग लंदन और इंडिया में हुई है। तो जी हाँ, फिल्म में लंदन दिखाया गया और दिल्ली दिखाया गया और जानवी कपूर का जो रोल है, अचानक वो एक बोल्ड किरदार है, अचानक वो बिल्कुल बेबस हो जाती हैं, फिर अचानक वो बोल्ड हो जाती हैं, कुछ उनका किरदार को जो है सही तरीके से उसकी स्केचिंग नहीं हुई है, सही तरीके से उनके किरदार को ढाला नहीं गया है। और वैसे इससे पहले जानवी कपूर ने बहुत सी ऐसी फिल्में की हैं जिसमें वो फीमेल सेंट्रिक फिल्में रही हैं और उसमें उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा है, और लेकिन इस बार जानवी कपूर की एक्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा जची नहीं। हाँ, इस फिल्म में कोई चमका है तो वो है गुलशन देवैया जो कि आईएसआई एजेंट हुमायूं के रोल में है और उन्होंने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है। उनका जो किरदार है उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आपको देखने को मिलते हैं तो वो थोड़ा दिलचस्प किरदार लगा है, लेकिन जानवी कपूर इस फिल्म में बहुत बोर करती हैं और मुझे लगता है कि जानवी कपूर को अब बहुत सोच समझ कर फिल्में चुननी चाहिए क्योंकि ये फिल्म उनके करियर को फ़ायदा पहुँचाने की बजाय उनको नुकसान पहुँचाएगी। क्योंकि दर्शक, जब मैं सुबह ये फिल्म देखने गई थी तो सिनेमा हॉल में सिर्फ 6 लोग थे और सभी लोग जो हैं इस फिल्म को देख करके उबते हुए नज़र आए, तो
स्पाई थ्रिलर के नाम पर अब बॉलीवुड में बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं। एक था टाइगर जैसी फिल्में हैं जो कि विदेश में शूट हुई, ISI और रॉ की कहानी उसमें दिखाई गई कितनी दिलचस्प तरीके से, लेकिन ये फिल्म आपको उलझाने के बजाय खुद ही उलझ जाती है। जानवी कपूर जो है अपने पूरे किरदार के साथ बहुत इंसाफ नहीं कर पाई है। फिल्म की कहानी के बारे में पहले ही बताया कि कहानी लचर है, पटकथा लचर है और ओवरऑल पूरी तरह से फिल्म आपको कन्विंस नहीं करती। बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जिसमें आपका दिमाग जो है सवाल उठाता है कि क्या इनको ये नहीं पता, क्या इनको ये नहीं पता। तो फिल्म में कई सारी खामियां भी हैं। मेरी तरफ से इस फिल्म को सिर्फ 3 स्टार। थैंक यू।